पाकिस्तान में आम चुनाव आने वाली 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। जहां भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा चर्चा है, तो कुछ इसी तरह पाकिस्तान में भी इन दिनों चुनावों को लेकर काफी ज्यादा हल्ला है। देखा जाए तो इस बीच निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि राजनीतिक दल सामान्य सीटों से कम 5% महिला उम्मीदवार भी लाएं। इसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो ऐलान किया जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है और इसकी चर्चा भारत में भी हो रही है। उसने हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय की डॉक्टर सबीरा प्रकाश को खड़ा कर दिया, वो भी खबर पख्तूनख्वा से, जहां से माइनॉरिटी पर हिंसा की खबरें लगातार आती हैं। आप आजाद पाकिस्तान में 20% से ज्यादा अल्पसंख्यक थे, जिनकी आबादी अब घटकर करीब 3% रह गई है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां माइनॉरिटी किन हालातों में रहती है। हालांकि पाकिस्तान हमेशा से ही दावा करता आया है कि उसके यहां सबको बराबरी का हक मिलता है, बराबरी मिली हुई है। अगर अल्पसंख्यकों की हम बात करें तो यहां पर हिंदुओं के अलावा सिख और क्रिश्चियंस भी शामिल है। इन सबके लिए राजनीति में अलग अलग प्रावधान आरक्षण भी है। साल 2018 की हम बात करें तो जब पाकिस्तान में चुनाव हुए थे तो माइनॉरिटी वोटर्स की संख्या 30% तक बढ़ गई थी, लेकिन इससे खास फर्क नहीं पड़ा, बल्कि हिंसा की खबरें और भी ज्यादा आती रही। राजनीति में भी वो अल्पसंख्यकों की हक बनाए रखने की बात करता है, लेकिन उसके ही कुछ नियम इस क्लेम की कहीं ना कहीं पोल खोल देते हैं। मसलन देखा जाए तो अहमदिया मुसलमान अगर खुद को वोटर भी मानना चाहें तो ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। इसके लिए उन्हें इलेक्ट्रोरल कॉलम में अपना धर्म बताना ही होता है। अब क्योंकि उनके धार्मिक यकीन बाकी मुसलमानों से अलग है, इसलिए उन्हें मुसलमान ही नहीं माना जाता। अगर वो खुद को नॉन मुस्लिम कहें तो ये भी उनके मजहब के खिलाफ ही जाता है। अब ऐसे में 5 लाख से ज्यादा आबादी को वोट करने का भी अधिकार नहीं है, वो स्थानीय नेशनल इलेक्शन का हिस्सा नहीं बन सकते। पॉलिटिक्स में सीधे जुड़ाव की बात की जाए तो पाकिस्तान दावा करता है कि वो माइनॉरिटी को बराबरी दे रहा है। वहां के संविधान में आर्टिकल 51(4) में इसके लिए कोटा भी है। अगर देखा जाए तो इसके तहत अल्पसंख्यकों के लिए 10 असेंबली सीट्स होती हैं। चुनावों में नॉन मुस्लिम के हक के लिए आर्टिकल 106 में प्रावधान भी है। यहाँ 23 सीटें आरक्षित हैं। पाकिस्तान की संसद क्या कहती है? इस देश में कई राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन लगभग सारी छुटपुटी हैं। मुख्य पार्टियों की बात करें तो फिलहाल 3 ही पार्टियां ऐसी हैं जो सत्ता के करीब नजर आती हैं। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ (PTI), पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) (PMLN) और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि PPP। डॉक्टर सबीरा खैबर से PPP की कैंडिडेट बनकर खड़ी हो रही है। पेशे से मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टर सबीरा के पिता भी राजनीति से जुड़े रहे हैं और पाकिस्तान के मानव अधिकार संस्थानों का कहना है कि माइनॉरिटी को हक दिलाने में सबसे ज्यादा नुकसान अलग इलेक्टोरल सिस्टम में हुआ। 70 के दशक से इस देश में अल्पसंख्यकों की संख्या तेजी से घटी है। इसके बाद साल सैन्य शासन हक के दौरे में तय किया गया है कि अल्पसंख्यक सीधे चुनाव के जरिए अपने 10 मेंबर चुन सकते हैं, लेकिन आम चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। इससे अल्पसंख्यक अपने आप ही बहुसंख्यकों से कट गए हैं। बाद में इसमें बदलाव हुआ और ज्वाइंट इलेक्शन होने लगे, लेकिन इसके बाद भी नॉन मुस्लिम आबादी का प्रतिनिधित्व उतना ही नहीं हो पाया। आरोप लगता है कि पार्टियां माइनॉरिटी में भी उन्हीं को चुनती हैं जो यस मैन की तरह काम करते हैं। यानी अब जिस तरह से एक हिंदू को वहां पर चुनाव लड़ने का अधिकार मिला है, वो भी हिंदू महिला को, तो इससे बहुत सारी उम्मीदें जागी हैं कि जो इलाके ऐसे हैं जो माइनॉरिटी वाले हैं पाकिस्तान में, जहां पर हिंसक खबरें आती रहती हैं, जहां के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि पाकिस्तान ऐसा दावा नहीं करता, लेकिन खबरें बताती हैं कि वहां पर माइनॉरिटीज पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके साथ हिंसा होती है, उन पर दबाव बनाया जाता है, जुल्म होता है, बर्बरता होती है। अब उम्मीद है कि एक महिला, वो भी हिंदू महिला, अगर चुनाव में उतर रही है आम चुनाव में, तो इससे काफी ज्यादा फर्क नजर आएगा और प्रतिशत कहीं ना कहीं इसमें बढ़ता हुआ नजर आएगा।